हाय दोस्तों, मेरा नाम जनेन चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय में बात करेंगे, आज हम थोड़ा सा क्या है, अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो देख रहे थे, आज हम क्या है एक थोड़ा सा अलग हटके सब्जेक्ट देखेंगे। हम किसके विषय में बात करेंगे, रजिस्टर के बारे में। व्हाट इज द रजिस्टर, रजिस्टर क्या है। देखिये यहाँ पर रजिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट्स इंप्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो रजिस्टर है वो कैसा है, पैसिव यानी निष्क्रिय, टू टर्मिनल। टू टर्मिनल का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। तो टू टर्मिनल क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। दैट सिंप्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट। मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे कोई भी सर्किट होता है, जैसे कि मान के चलिए ये आपका क्या सर्किट है, तो सर्किट में क्या रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और क्या कैपेसिटेंस लगता है ना। तो इसमें क्या होगा, ये आपका क्या होता है, इसका जो सर्किट का एक मेन एलिमेंट होता है, या कहना चाहिए सर्किट में कैसे इंप्लीमेंट होगा, सर्किट में एज अ रजिस्टेंस इसको क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा इसके अनुसार। क्लियर ना, ये इसकी होगी क्या डेफिनेशन। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है रिड्यूस करना करंट के फ्लो को। मतलब क्या, सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की क्या, उसको क्या करना, रिड्यूस करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पे। ठीक है, तो इसका क्या, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रजिस्टर आर यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो। इसके अलावा यूज कहां पर किया जाता है, सिग्नल लेवल को एडजस्ट करने के लिए। आप देखते होंगे सर्किट में क्या कई तरह के सिग्नल बनते हैं, है ना। तो उस सिग्नल लेवल को क्या, जैसे मान के चलिए ये अब ये अगर ऐसा ऐसा सिग्नल जा रहा है, ठीक, तो इस सिग्नल लेवल को जिस हिसाब से भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको किसके लिए यूज किया जाता है, एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक के टर्म्स में बात हुई। अब अगर इलेक्ट्रिकल टर्म्स में आ जाए तो रजिस्टर का यूज कहां पर होगा, देखो रजिस्टर का यूज कहां पर होगा, मोटर को कंट्रोल करने के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क तैयार हो रहा है ना, जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू में बात की जाए तो किस पे यूज होगा, हाई पावर जो रजिस्टर है मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये मोटर को कंट्रोल, मोटर कंट्रोल ही ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और कहे के लिए। इसके अलावा टेस्ट लोड फॉर जनरेटर, जैसे कि जनरेटर में क्या है लोड टेस्टिंग की जाती है, उसके लिए भी क्या है हाई पावर रजिस्टर का यूज किया जाएगा। ये लिखा हुआ है हाई पावर रजिस्टर दैट कैन बी डिसिपेट मेनी वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एज अ हीट। मतलब ये क्या, कई वाट जो पावर को एज अ हीट में क्या करता है, खर्च करता है, उसकी वजह से क्या है इसका इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि अपन ने बताया मोटर कंट्रोल इन अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और लोड टेस्ट करने के लिए जनरेटर में। क्लियर है भाई बात। आप देखिए जो आपका ये रजिस्टर, इसका सिंबल कैसा बनेगा, ये इसका क्या होगा, रजिस्टर का ये क्या है सिंबल बना हुआ है एक, इसको इस तरह से भी बनाया जाएगा और इस तरह से भी बनाया जाएगा। तो इसमें क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका निगेटिव टर्मिनल। करेंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यू नो वेरी वेल, है ना, कि करेंट हमेशा क्या पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर इस रजिस्टर की बात की जाए तो ये किस टाइप का होगा, पैसिव टाइप का। इसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पे होगा, तो एज अ इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, यहां बताया वर्किंग प्रिंसिपल का इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस, मतलब जब इसको सर्किट में इंप्लीमेंट किया जाएगा तो सर्किट में यह कैसा इंप्लीमेंट होगा, एज अ रजिस्टेंस इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसा कि हमने इसमें सर्किट में देखा था। ठीक, तो ये इस तरह से इसका क्या होता है, कार्य होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं रजिस्टर के बारे में आपको समझने में आसानी हुई होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट के माध्यम से सवाल भी पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।